बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान की अपकमिंग फिल्म टाइगर 3 की शूटिंग इन दिनों ठप पड़ी हुई है। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए यशराज बैनर ने टाइगर 3 की शूटिंग को आगे बढ़ा दिया है। इन दिनों सलमान खान केवल बिग बॉस 15 की शूटिंग में व्यस्त हैं। आपको बता दें कि बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान ने टाइगर 3 की शूटिंग से बचे समय को यूज करने के लिए खास प्लान बनाया है, जिसके लिए उन्होंने साउथ के मेगा स्टार चिरंजीवी संग हाथ मिला लिया है। एक ताजा रिपोर्ट के अनुसार सलमान खान बहुत जल्द चिरंजीवी की अपकमिंग फिल्म गॉडफादर के लिए 5 से 7 दिनों की शूटिंग करेंगे, जो मोहनलाल के लूसिफर की आधिकारिक रीमेक है। अब इस फिल्म में वो कैमियो करते दिखाई देंगे। चिरंजीवी ने सलमान खान से फिल्म गॉडफादर के कैमियो करने की गुजारिश की थी, जिसे वो ठुकरा नहीं सके। सलमान खान टाइगर 3 की वजह से गॉडफादर को समय नहीं दे पा रहे थे, लेकिन अब उनके पास वक्त ही वक्त है। ऐसे में भाईजान ने तुरंत गॉडफादर के मेकर से बात की और उन्हें शूटिंग के लिए वक्त दे दिया है। सूत्र के अनुसार सलमान खान का सीक्वेंस जनवरी 2022 में ही शूट किया जाएगा। टाइगर 3 का आउटडोर शूट जल्द शुरू नहीं होगा, क्योंकि देश में कोरोना का प्रभाव बढ़ता हुआ दिख रहा है। ऐसे में सलमान खान ने गॉडफादर के मेकर्स को वक्त देने का फैसला किया है। सलमान खान लगातार चिरंजीवी और गॉडफादर के मेकर्स के साथ टच में हैं। अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक होता है तो सलमान खान और चिरंजीवी की फिल्म गॉडफादर जनवरी में ही पूरी हो जाएगी। अब सलमान खान ने मेगा स्टार चिरंजीवी के साथ गॉडफादर के लिए पहली बार हाथ मिलाया है। आप इन दोनों मेगा स्टार्स को पर्दे पर देखने के लिए कितने उत्साहित हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। जुड़े रहिए हमारे साथ नेक्स्ट 9 लाइव से। सुरभि की रिपोर्ट।